सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं वन प्लस के 11 सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे ब्रांडेड स्मार्टफोन एप्पल के बाद सेकंड पोजीशन में वन प्लस का वन प्लस सीरीज आती है। दोस्तों, वन प्लस के स्मार्टफोन को लोग काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, तो आज हम वन प्लस 11 के फुल स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स एंड रेंडर, सभी तरह का फीचर्स लीक हो चुकी है दोस्तों, जो कि इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस 11 प्रेडिक्टेड और एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन के हाईलाइटिंग डिस्प्ले के बारे में। तो इस बार 6.7 इंच की क्वाड एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि इस बार 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ आने वाले। साथ में इस पैनल में दोस्तों एचडी 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाले है दोस्तों। और इस बार दोस्तों किसी भी तरह का डिस्प्ले की क्वालिटी में डाउनग्रेड नहीं देखने को मिलेगी। जो सबसे हाई क्वालिटी का डिस्प्ले इस बार प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, जिसके हेल्प से काफी अच्छी क्वालिटी का वीडियो का एक्सपीरियंस मिलने वाली है दोस्तों। तो आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन के हाईलाइटिंग चिपसेट के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से आने वाले लेटेस्ट चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाली है दोस्तों, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है दोस्तों। और ये चिपसेट 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना हुआ दोस्तों। इस बार दोस्तों इस स्मार्टफोन में हीटिंग इशू एंड गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी क्वालिटी का मिलने वाली है दोस्तों। आगे बढ़कर बात करते हैं हाईलाइटिंग कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों। तो गाइस, वन प्लस का इस सीरीज में दोस्तों कैमरा पर काफी ज्यादा फोकस की जाती है दोस्तों। तो इस बार रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसका मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का होगा और ओएस का साथ आने वाले दोस्तों। और इस बार दोस्तों सोनी आईमैक्स 890 का सेंसर देखने को मिलने वाली है दोस्तों। अगर अल्ट्रा वाइड का बात करें दोस्तों, इस बार 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सोनी आईमैक्स 581 का सेंसर देखने को मिलने वाली है दोस्तों। और टेलीफोटो लेंस इस बार 32 मेगापिक्सल की सोनी आईमैक्स 709 का सेंसर देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो गाइस, तीनों सेंसर काफी अच्छी क्वालिटी का मिलने वाली है दोस्तों। अगर बात करें फ्रंट साइड की दोस्तों, फ्रंट साइड में दी जाएगी 16 मेगापिक्सल की इन डिस्प्ले कैमरा सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी दोस्तों सोनी आईमैक्स 709 का सेंसर देखने को मिलने वाले दोस्तों। तो फ्रंट से भी आप काफी अल्ट्रा एचडी क्वालिटी वीडियो एंड फोटो शूट कर पाएंगे। अगर बात करें पावर बैकअप की दोस्तों, इस बार दी जाएगी 5000 mAh की नॉन रोमल पावर बैटरी आने वाले टाइप सी सपोर्ट के साथ। और इसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए आउट द बॉक्स 100 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाले दोस्तों। अगर एक्स्ट्रा सेंसर की बात करें दोस्तों, इस बार इस सीरीज में सभी तरह का सेंसर देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, और वो भी अच्छी क्वालिटी का मिलने वाले दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस फोन के प्राइसिंग एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो इस फोन का प्राइस अप्रॉक्स 70 से 75,000 के अराउंड में आ सकती है दोस्तों। और स्मार्टफोन का लॉन्च डेट बात करें दोस्तों, तो इस फोन का लॉन्च डेट 2023 के जनवरी मंथ में ही देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।